Hey girls, welcome back to my channel and welcome back to my another video. I wish आप सब ठीक होंगे, ध्यान रख रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे. So, जो आज की वीडियो है ना वो होने वाली है क्लीन अप रूटीन पे. और आज की वीडियो फॉर द बिगनर्स एंड द कॉलेज गोइंग गर्ल्स है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. और अफोर्डेबल में क्या है मैं बताऊँ, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ना वो आपको मिल जाएगा अंडर 20 रुपीज़ में. यस गाइज, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हूँ. आज जितने भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी वो आपको ईच प्रोडक्ट अंडर 20 में मिल जाएगा. और इसे लेने के लिए आपको कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये आप अपने बगल की दुकान से या फिर मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ना, ये कोई एवी प्रोडक्ट नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ. जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड से रिलेट करते हैं. एंड आई एम श्योर आपने इस ब्रांड के कुछ चीज़ें आपने यूज़ भी की होंगी, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, उससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी और आप उसे देख सकेंगे. तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लींस करेंगे. क्लींस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये गुलाब जल विद द हेल्प ऑफ कॉटन पैड. और कॉटन पैड की हेल्प से ना मैं अपने फेस को अच्छे से पूरी तरीके से साफ़ कर लूँगी, जो भी डर्ट होगा वो सब निकल जाएगा. एंड आप चाहो ना तो आप अपने फेस को फेस वॉश भी कर सकते हो. जो भी आप नॉर्मली फेस वॉश यूज़ करते हो आप उससे फेस वॉश भी कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको कॉटन पैड की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लींज कर लेना है. और अभी आप देखेंगे कितना सारा डर्ट निकला है मेरे फेस से, लुक एट दिस. एंड अब हमारा फेस हो चुका है अच्छे से फेस वॉश. अब हम करेंगे स्क्रब. और स्क्रब के लिए मैं ले रही हूँ हिमालय का नीम स्क्रब, प्यूरीफाइंग नीम स्क्रब. और ये बहुत ही अमेजिंग स्क्रब है विद द अफोर्डेबल प्राइस. ये आपको 20 रुपीज़ में आपकी अगल बगल किसी भी शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का है. और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है. आपको सिर्फ अपने फेस पे इस तरीके से एरिया में लगाना है, अपने फेस के चिकबोन एरिया पे, फॉरहेड एरिया पे. एंड देन आपको हल्के हल्के हाथों से ना इसको मसाज करनी है. आपके जितने भी नोज़ के ऊपर भी हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना, ये भी बहुत ही अच्छे से इसको रिमूव करता है. तो आपको जेंटल हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है. आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना कि बहुत जल्दी जल्दी, बट एक्चुअली ये स्पीड मोड में लगा हुआ है, इस वजह से आपको दिख रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं कर रही हूँ बहुत ही धीरे धीरे से. तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है. एंड नाउ अब हमारी स्क्रबिंग कंप्लीट हो चुकी है. देन अब हम अपने फेस को करेंगे वॉश. और यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे मोस्टली ब्लैक हेड्स निकल चुके हैं मेरे. एंड अब हम करेंगे ना फेस मसाज. और मसाज के लिए मैं यहाँ पे ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अफोर्डेबल है, 10-15 रुपीज़ में आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा. और इसमें ऐड करना है आपको विटामिन ई कैप्सूल का 1 ड्रॉप. यस, और ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा. एंड आपको इस तरीके से 1 ड्रॉप लेना है एंड अच्छे से मिक्स करना है फिंगर पर ही. आप चाहो तो कहीं पर भी मिक्स कर सकते हो इसको अच्छे से. एंड मिक्स करने के बाद ना आपको अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है. एंड हल्के हाथों से अगेन आपको मसाज करना है, हर तरह से मसाज करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ अपने फेस पे. एंड मसाज भी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, पूरी तरीके से क्रीम एब्जॉर्ब हो चुकी है. और फेस को भी मैंने वॉश कर लिया है. एंड स्टेप बाय स्टेप आपका फेस निखर के आता है.
एंड जो नेक्स्ट स्टेप है ना उसमें हम यूज करेंगे ये फेस पैक। और फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवर यूथ नेचुरल्स का रोज ग्लो फेस पैक, और ये बहुत ही अमेजिंग एंड अफोर्डेबल है। ये भी आपको 20 रुपीज में इजिली मिल जाएगा। और गाइज ये ना आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, तो इसको पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो या फिर नेचुरल वाटर भी ऐड कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा जिसे आप इजिली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको हर एरिया में इसे अप्लाई करना है, फेस के फॉरहेड, नोज, चीक्स, हर एक जगह इसे आप अप्लाई करिए लाइक दिस, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमने अपना फेस पैक अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे, और इसे आप 10 टू 15 मिनट्स ही रखेंगे ड्राई होने के लिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो देख सकते हो मेरा फेस पैक ड्राई हो चुका है, मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मेरे फिंगर पे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं आ रहा है। अब हम इसे वॉश करेंगे एंड देन हमने अपना फेस पैक वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे। नाउ अब हम अगेन मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे हम अपने फेस पे चारों तरफ अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप उसे देख सकें। एंड अपने दोस्तों के साथ भी ना इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।